यूनिवर्सिटी का बेहतरी की तरफ सफर जो है वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। इसके अंदर बहुत सारे वो लोग जिन्होंने अनइंटेंशनली इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर दी और वो फिर बड़ी जल्दी इसमें से राह फरार इख्तियार करना चाहते थे, तो उसकी एक बहुत बड़ी तादाद है वो इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल चुकी है। जिसके अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मेरे पास है वो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक बड़ी तादाद इन्होंने सिर्फ डाउन पेमेंट्स के ऊपर फाइल्स उठाई हुई थी या दो दो तीन तीन लाख रुपया सिर्फ उसके अंदर डिपॉजिट कराया हुआ था, तो वो लोग वैनिश्ड हो चुके हैं यूनिवर्सिटी की क्लाइंट लिस्ट में से। अब वो लोग बचे हैं जो एक अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी के साथ बैठे हुए हैं, जो चीजों को मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जो अपने प्लॉट्स की प्रॉपर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, कुछ लोग लमसम की तरफ भी मूव ऑन कर रहे हैं। तो अभी जो यूनिवर्सिटी की क्लाइंटेज है जिसने पूरे पाकिस्तान की मार्केट को ग्रैब कर दिया, हर बच्चा बच्चा जो था वो यूनिवर्सिटी का नाम लेता था, हर आदमी यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था और बहुत सारे लोगों ने की भी। लेकिन अभी पिछली तकरीबन एक साल की जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज का समर यह निकला जिससे बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कुछ ग्रुप्स भी बने, कुछ लोगों ने इसके ऊपर बातें भी की, सारे मामलात हमने देखे, लेकिन उसके अंदर एक खास अवाम एक खास अनासर उसमें दाखिल हो चुके हुए थे जो कि यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट मुखालफीन में थे, कम्पिटिटर्स में थे, जिन्होंने उन चीज़ों को लीड करके उन बेचारे लोगों को एक हंसते बसते काफले में से निकाल के साइड पे खड़ा कर दिया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की है ना उन्होंने अपनी फाइल थ्रू मर्जिंग थ्रू सेल थ्रू रीसेल अपनी चीजें जो है वो सेल आउट कर दी हुई हैं। 20-25% लोग हैं अभी भी इस कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, लेकिन उनमें से भी वो भी मच्योर लोग हैं जो अपनी चीजों को होल्ड करना चाहते हैं या मच्योर करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर प्ले कर रही है, उसके पास विजनरी लोग भी हैं, थिंक टैंक्स भी हैं, वो बैठ के सारी कैलकुलेशन निकालते हैं, अपनी चीजों को करते हैं। जिस तरह एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लोगों को लगा कि नहीं जी वो यूनिवर्सिटी से फाइलें माइनस में चली गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया, मैनेजमेंट को स्टेप क्यों नहीं थी ले रही। मैनेजमेंट बेसिकली स्टेप ही ये ले रही थी कि ऐसे तमाम लोगों को अच्छे तरीके से खैर बात कह दिया जाए जो कि सिर्फ फाइल की डाउन पेमेंट दे के आगे से उसमें ना इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे ना किसी किस्म का उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने डाउन पेमेंट वाली एक फाइल लेके रखी हुई थी और उसी के ऊपर बैठ के डिबेट करते रहते थे कि ये हमारी प्रॉफिट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही। अब आने वाले कुछ हफ्तों में आपको यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा बेहतरी और तब्दीली नजर आएगी, जिसमें आपको जो इसके बेल्टेड प्लॉट्स हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद मूव कर जाएगी रीलोकेट होके उन सेक्टर्स में जो डेवलप्ड हैं पोजेशनेबल हैं उसके अंदर चले जाएंगे और उनके अंदर फिर लोग घर बनाना भी स्टार्ट कर देंगे और कुछ ना कुछ तमीराती कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उसके अंदर शुरू हो जाएगा। तो जब जिस वक्त लोग उन चीजों को देखेंगे, क्योंकि आप एक चीज को अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान जो है तकरीबन 26 करोड़ लोगों की एक मंडी है जिसके अंदर तकरीबन 25 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी का ये ख्वाब है कि वो इस्लामाबाद में अपना घर बनाए। इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान का कैपिटल होने के साथ एक दिल की हैसियत रखता है, जिस वजह से जो भी पाकिस्तानी है उसका ये ख्वाब है कि वो इस्लामाबाद में अपना घर बनाए या यहाँ पे रहायश इख्तियार करे या उसकी किसी न किसी सेंस में यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो 24 करोड़ की आबादी के सामने अगर यूनिवर्सिटी ने 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख भी फाइलें बेची हुई है तो ये 0 सम फिगर उसमें आता है। अगर यूनिवर्सिटी ने 2 या 3 लाख फाइलें भी बेच दी हुई है तो उसमें बहुत बड़ी रेशियो जो है वो इस वक्त वॉश हो चुकी हुई है और उसमें से भी जो रह चुके हैं तो ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको लेकर लोग परेशान हो, क्योंकि आपके इदारे भी बैठे हुए हैं, कैलकुलेशन सबके पास पड़ी हुई है। जो भी यहाँ पे बाखबर लोग हैं जिनके पास मुख्तलिफ सोर्सेज से खबरें आती रहती हैं, वो उन सारों को पता है कि यूनिवर्सिटी कितना स्टेबल प्रोजेक्ट हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान का, किस लेवल के ऊपर ये प्ले कर रहे हैं या प्ले करने जा रहे हैं। तो इस वजह से अभी लोगों के पास टाइम है, जिन लोगों ने अपनी फाइलें होल्ड की हुई हैं उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, वो अपनी फाइलों को मजीद मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएं, अपने प्लॉट्स नंबर को अगर उनकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर हो चुकी है डेवलपमेंट चार्जेस पे करके रीलोकेट करवाएं अपने प्लॉट्स को और पोजेशनेबल एरियाज के अंदर इंक्लूड हो जाएं। और मजीद जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपके बजट आपकी होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसमें हम आपको इंश्योर करेंगे कि आफ्टर दैट पीरियड आपकी ये चीज़ इतने प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी या आपकी मैच्योरिटी में चली जाएगी। तो जौन से ब्लॉक इसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, जौन सी लोकेशन इसके अंदर ज़्यादा अट्रैक्टिंग है, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह MK मार्केटिंग गुज़िश्ता 7 सालों से यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉपर काम कर रही है, हर ब्लॉक हर गली हर घर हर प्लॉट इसका जो है वो हमारी नज़रों के सामने से गुजरा हुआ है, बल्कि हमारी नज़रों के सामने बना हुआ है। तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप लोग हमसे रब्ता करें और हमारे साथ प्रॉपर इसके ऊपर डिस्कस करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल बनाई जा सके।